तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे जो भी स्टेयर केस है उसके लिए जो भी हमारे थंब रूल्स है ऑन साइट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर आपको मिनिमम वेट ऑफ कॉमन स्टेयर केस पता होना चाहिए। उसकी अगर आपकी रेसिडेंसी बिल्डिंग है, एजुकेशनल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, असेंबली बिल्डिंग है, या फिर इंडस्ट्रियल स्टोरेज, ओके, तो आपको मिनिमम उसका वेट चाहिए तो 1.2 मीटर, 1.5 मीटर आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। अगर आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान चाहिए तो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो विड्थ होती है स्टेयर केस की, वो आपको चाहिए 1.2 मीटर या फिर 1.5 मीटर के आसपास। ओके, ये प्लान है टेरेस बिल्डिंग के लिए, मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर दो स्टेयर केस है, बीच में लिफ्ट से तीन, ओके, डक्ट्स, किचन, हमारे बेडरूम, ओके। यहाँ पर पैसेज चाहिए आपको 1.2 मीटर का, फिर उसके बाद लॉबी, ओके।